हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मैं भी सोकर उठी थी तो मैंने सोचा कि थोड़ी साफ़ सफाई कर लेते हैं रूम की, और मैं बस वही पीऊँ कि थोड़े टॉवल वगैरह रखे थे वो सही करने लगे। फिर प्यास लगी थी बहुत तेज़, तो मैंने सोचा थोड़ा पानी पी लेते उसके बाद साफ़ सफाई करते हैं। बस थोड़ा बिस्तर बिस्तर साफ़ करना था, वही अभी सोकर उठे थे तो वही थोड़ा बिस्तर बिस्तर थोड़ा बिगड़ गया था, वही सब सही करना था। तो मैं सोचा कि थोड़ा बिस्तर बिस्तर को सही कर लेते हैं, और थोड़ा पीलू की बॉटल और चूसने उसने सभी से फैली पड़ी थी तो उसको सब सही करने लगे थे, क्योंकि पापा आ रहे थे ना तो फिर जल्दी भी आज थोड़ा उठ गए थे, इस वजह से बस वही सही किया। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक्स और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। गाइस, आज पापा आ रहे हैं मिलने मुझसे और पीहू से। उनका फ़ोन आया था, बोल रहे थे कि बहुत याद आ रही, और वो पीहू का झूला भी वहीं रह गया था, मतलब बहुत बड़ा है तो वो आ नहीं पाया था सामान के साथ, तो पापा ने बोला कि वो भी दे देंगे और पीहू से मिल भी लेंगे। सो वो अभी आ रहे हैं मिलने हम लोगों से, देखते हैं उनका पीहू से मिल के कैसा रिएक्शन रहता है और हमसे भी। ठीक है, सो उनका कॉल आया था तो वो बता रहे थे कि अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, सो मैं आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ओके, तो झूला भी देना था इस वजह से, और वो उनको आना पड़ रहा है क्योंकि वो पीहू का झूला वहीं पे छूट गया था ना, आ नहीं पाया था, बहुत बड़ा है इस वजह से। तो वो बाइक से लेकर आ रहे हैं, और हम लोग कार से आए थे तो वो कार में मतलब आ ही नहीं पा रहा था, इतना बड़ा सा था। तो अब आ रहे हैं लेकर के बाइक से। सो मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, सो मैं आपको दिखाऊंगी क्या रिएक्शन होता है। थोड़ा गला ख़राब हो गया है शायद, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उनसे मिलाती हूँ। ठीक है, सुबह पापा आ गए हैं और बना रही हूँ मैं अब चाय, और वो झूला भी फिट हो गया तो पापा भी उसमें लेट भी गई हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वो झूला उसका आगे था पापा के पास उधर, तो वो उसी में उसको फिट करा के लटा दिया है, उसका बस रैपर यहाँ बड़ा हुआ है। मम्मी आ रही हैं, ठीक है, तो मैं चाय बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरी चाय, अब मैं पी रही हूँ चाय और पापा मिल गए पीहू से। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर चाय पीने का मन भी नहीं करता ना कभी कभी, पर पी लेते हैं, हमें तो चाय बहुत पसंद है इसलिए हम तो चाय पी लेते हैं। और पापा मेरे लिए एक चीज़ लेके आए, वो भी आपको दिखाता हूँ। पापा मेरे लिए ये लाए बिस्किट, ये वाला बिस्किट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। पापा ने फ़ोन करके पूछा भी था क्या लेके आए, तो मैंने मना कर दिया, पर पापा को पता है कि ये बिस्किट हम खाते हैं, इसलिए पापा मेरे लिए लेकर आए थे। ये वाला बिस्किट बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला बिस्किट। आप लोग बताइएगा किसको किसको पसंद है, ठीक है, कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना बिस्किट, आप लोग बताइएगा किसको किसको अच्छा लगता है। पीहू ना इतना आराम से खेल रही है, उसका झूला आ गया, अभी मैं उसका झूला भी आपको दिखाऊंगी, बाहर आंगन में रखा हुआ है और सब लोग बैठे हैं, सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ चलते थे, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। रहा है पापा आ गए रूम पे, तो देखो पीहू पापा के साथ कितना मस्ती से खेल रही है, और उनकी गोदी में बिल्कुल चुप भी है, और वो बहुत खुश हो गई थी पापा को देख के, बहुत अच्छे से खेल भी रही थी पापा के साथ। देखिए किस तरीके से खुश है, बढ़िया मस्ती से खेल रही है, और उसको बड़ा मज़ा आ रहा था पापा गोदी में, और नींद में थी पर फिर भी पापा के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी। पापा भी बहुत खुश हो गए थे पीहू से मिल के। फिर देखो कैसे बैठ लेटी हुई है गोद में, बिल्कुल शांति से, एकदम कुछ भी नहीं, इधर उधर नहीं देख रही। मैं वीडियो बना रही थी तो मुझे ही घूरे जा रही कि पता नहीं ये क्या फ़ोन में कर रही हैं, निंदासी भी हैं थोड़ा। आओ, आओ। कपड़ा भी वो होता है, मोर का पंख खेलता ना उसे देखती हूँ। मोबाइल फोन का बढ़िया यार, गुन्ना बहुत बढ़िया, अभी साफ गुन्नो। हाँ देखो देखो, थूक निकाल ले। हाँ क्या क्या है, है? तो ये करी ये फोन दे जाओ, एक डीन तो रहा एक जपलिन रहा।
नया फोन वीडियो बना। ये है पीयू का झूला जिसमें पीयू बहुत आराम से लेटी हुई थी और झूल भी हुई थी, फिर वो सो गई तो उसको अंदर ले